दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। हाल ही में मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2020 का आयोजन किया गया। इवेंट में ऋतिक रोशन को अपनी हालिया परफॉर्मेंस के लिए सबसे बड़ा सम्मान हासिल हुआ। दरअसल अभिनेता ऋतिक रोशन को सुपर 30 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से सम्मानित किया गया, जिसमे अभिनेता ने बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार की भूमिका निभाई है। ऋतिक को न केवल उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया है, बल्कि वास्तविक जीवन के शिक्षक आनंद कुमार ने खुद अभिनेता की सराहना की है। आनंद कुमार ने ऋतिक की तारीफ में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो स्क्रीन पर खुद को देख रहे हैं या ऋतिक को देख रहे हैं। अभिनेता ने सुपर 30 में अपने किरदार के साथ स्क्रीन पर एक बहुत ही मजबूत कहानी पेश की है। फिल्म के डायलॉग एक राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा, जैसे डायलॉग ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेट पर चर्चा में था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।